ग्वालियर शहर के जनकगंज थाना क्षेत्र के गोल पहाड़िया पुलिस चौकी में एक युवक की जमकर मारपीट की गई। कुछ लोगों ने इस मारपीट का वीडियो भी बना लिया। उन्होंने इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पिटने वाला युवक नेता कुशवाहा है, जिसने पुलिसकर्मियों पर देर रात तक दुकान खोलने के एवज में प्रति दुकान 1,500 रुपये वसूलने का आरोप लगाया था। जबकि पुलिस का कहना है कि आरोपी नेता कुशवाहा शराब के नशे में पुलिस चौकी में काम कर रहे कर्मचारियों के साथ अभद्रता कर रहा था, इसलिए उसके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने और धमकाने का मुकदमा दर्ज किया है। युवक के मारपीट के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। थाना प्रभारी का कहना है कि आरोपी शराब के नशे में गोल पहाड़िया पुलिस चौकी में उत्पात कर रहा था। पुलिस का यह आरोप किसी के भी गले नहीं उतर रहा है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियो में युवक नेता कुशवाहा ने पुलिसकर्मियों द्वारा उसे चौकी का दरवाज़ा बंद कर पीटने का आरोप लगाया है। उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें कल जो है वो जनकगंज थाना अंतर्गत लक्ष्मीगंज जो पुलिस चौकी है मंडी के पास में है, वहाँ पर पुलिसकर्मी बैठ के अपना शासकीय कार्य कर रहे थे रात के समय। उस समय एक जो है वो नेता कुशवाहा जो है वो शराब के नशे में चौकी में आया और उसके द्वारा पूर्व में जो पुलिस द्वारा रात्रि के समय जो दुकानें समय पर बंद कराई जा रही हैं, इस बात को लेके उसमें आक्रोश था और उसमें पुलिस के साथ गाली गलौज करने लगा। पुलिस द्वारा इस संबंध में मना किया गया तो जो है उसके द्वारा पुलिस के साथ झूमा झटकी की गई है और अभद्रता की गई है। इस संबंध में आरोपी के विरुद्ध जो है शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया। फरियादी का कहना है कि दुकान वालों से 1500 महीना ना देने पर उसको चौकी में, नहीं ऐसा नहीं है। उसके पूर्व में जो रात में अभी जो नए निर्देश आए हैं उसमें रात्रि के समय जो है दुकानें समय पर बंद कराए जाने के लिए सख्ती की जा रही थी, इसके कारण उसके द्वारा जो है वो इस प्रकार का व्यवहार किया गया। इस प्रकार के कोई तथ्य भी जाँच में नहीं है।